आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है जी, वो है जी लेगेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम पिछले काफ़ी लेक्चर से हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं या रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो पहले से बना हुआ है, उसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। अब जो पहले से बना हुआ सिस्टम है, वो अब डिपेंड करता है कि जनाब वो आपने बनाया है या आपको वरसे में मिला है। वरसे का मतलब लेगेसी, जो आपको कहीं से मिला है पहले से बना हुआ, वो आपने डेवलप किया। हो सकता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 साल पहले आपने डेवलप करवाया था या किया था। हम जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, आपने ये काम किया, तो मैं इस सेंस में आपसे बात करता हूँ कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या टीम लीडर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। डेवलपर के तौर पर मैं आपसे बात नहीं करता, ठीक है? क्योंकि ये सारी कहानी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर के मैनेज करने वाली है या टीम लीडर की। और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपका काम ओवरऑल प्लानिंग करने का है या चीज़ों को मैनेज करने का है। डेवलपमेंट आपकी सेंस नहीं बनती या आपकी फील्ड नहीं है। बोला तो बात है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बच्चे हैं वो डेवलपमेंट करें या कोडिंग लिखें, वो कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक्चुअल जो आपका पर्पज़ है, वो चीज़ों को मॉनिटर करने का, मैनेज करने का है या प्लान करने का है। लेगेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, वो हम उसका कॉन्सेप्ट देखने लगे थे कि वर्ड लेगेसी जो है, वो डेली लाइफ में उसका क्या मतलब है। वर्ड लेगेसी इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ मनी और अ स्पेसिफाइड आर्टिकल गिवन टू अनदर बाई विल। कोई बंदा अपनी मर्जी से कोई पैसा, रुपया, जायदाद अगर किसी को दे अपनी मर्जी से, तो वो लेगेसी कहलाती है, वरसा कहलाती है। एनीथिंग हैंडेड डाउन बाई एन एनसेस्टर और प्रीडिसेसर, कोई भी आपके आबाओ अजदाद में से, आपके वालिद साहब, आपके दादा अबू, कोई चीज़ आपको के लिए छोड़ के जाएं या आपको दें, हैंड ओवर करें अपनी मर्जी से, तो वो लेगेसी है, ठीक है जी। इन कंप्यूटिंग, लेगेसी सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑफ रिलेटिंग टू और बीइंग अ प्रीवियस और आउटडेटेड कंप्यूटर सिस्टम येट स्टिल इन यूज। कंप्यूटर साइंसेस में लेगेसी या लेगेसी सिस्टम क्या हो सकता है? कोई पुराना कोई मेथड, कोई टेक्नोलॉजी, कोई सिस्टम, कोई एप्लीकेशन या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि पुरानी है, पहले वक्तों में डेवलप हुई हुई है और अभी तक चल रही है, अभी तक इस्तेमाल हो रही है, ऐसे सिस्टम को हम लेगेसी सिस्टम कहते हैं। क्योंकि अभी मैंने कहा कि जनाब, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीडर, तो एन पॉसिबल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसी वक्त बनी हो या जब आपने ज्वाइन किया तो उसे 10 साल पहले की चल रही हो। अगर 10 साल पहले की चल रही है, तो जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उन्होंने डेवलप किए थे, उन सॉफ्टवेयर की भी तो कोई ना कोई मेंटेनेंस आ सकती है या उसके हवाले से भी कोई अपग्रेडेशन आ सकती है, जो आपने डेवलप नहीं किए और कोई पुरानी टेक्नोलॉजीज के अंदर बने में, और वो जो सिस्टम है वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, वो लैंग्वेजेस भी ऑब्सोलीट हो गई हैं, उनके डेवलपर भी नहीं मिलते अब, तो ऐसे सिस्टम जो हैं वो लेगेसी सिस्टम की सेंस में कंसिडर होते हैं या इसकी रेंज में आते हैं। ये इसकी डिटेल थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि किसी भी सिस्टम को, सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम लेगेसी सिस्टम क्यों कह सकते हैं, कौन सी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हों तो एक सिस्टम जो है वो लेगेसी सिस्टम कहलाता है। पहली उसकी रीजन है जी, लार्ज विद मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड। लेगेसी सिस्टम ऐसा होगा जो कि साइज में, वॉल्यूम में बड़ा हो और उसमें हजारों लाइनों, लाखों लाइनों के हिसाब से कोड अवेलेबल हो उसके अंदर, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है साइज के हिसाब से बड़ा एप्लीकेशन हो। जेरियाट्रिक, ऑफन मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड। पुराना सिस्टम हो उसको भी हम लेगेसी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि कम से कम 10 साल या इससे ज्यादा पुराना सिस्टम जो कि पहले के डेवलप हुआ है। क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेजेस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो आपको पता फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं। अगर मिसाल के तौर पे विजुअल फॉक्स प्रो की फॉर एग्जांपल ले लें या कोबोल की एग्जांपल ले लें, ये ऐसी टूल्स हैं या लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर बने हुए हैं और आज तक यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हैं कई, उनके अंदर अभी तक फॉक्स प्रो के बने हुए सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, जबकि आप में से मोस्टली लोगों ने फॉक्स प्रो का या तो नाम ही नहीं सुना होगा या कभी देखी भी नहीं होगी कि फॉक्स प्रो क्या होती है। जबकि मेरे वक्त में, जब मैंने शुरू शुरू में इस फील्ड में आया था, तब फॉक्स प्रो थी, जिसमें थोड़ा सा विजुअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता था और उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे, तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल ही था उसमें काम करना। तो ऐसे सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल फॉक्स प्रो के अंदर कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ तो वो चल रहा है, और अब उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ जाए या उसको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ जाए या उसमें कोई एरर था उसको ठीक करना पड़ जाए, तो अब तो फॉक्स प्रो वैसे इंस्टॉल करने के लिए आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? आपको जनाब बड़ा ही खपना पड़ेगा, शायद कहीं से उसकी सीडी मिले,
दूसरी बात ये कि अगर सॉफ्टवेयर मिल भी जाए तो जनाब आपको कोई डेवलपर नहीं मिलेगा उसको जो उसमें काम करना जानता हो। तो अगर काम करना जो है वो फॉर एग्जांपल बंदा मिल भी जाए तो उसको पता होगा जनाब मैं दुनिया में अकेला ही बंदा हूँ जो सॉफ्टवेयर काम कर सकता, तो वो जनाब फिर आपसे मुंह मांगी कीमत लेगा काम करने की। तो ये प्रॉब्लम्स हैं उस लेगेसी सिस्टम के। एक और उसका करेक्टरिस्टिक्स है जी, रिटन इन ऑब्सोलीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मैंने कहा कि जो पुरानी लैंग्वेज है ऐसी लैंग्वेज जो कि अब ऑब्सोलीट हो गई है, जो खत्म हो गई है, या जिसका यूजर ही नहीं मिलता या उसका कोई सीडी नहीं मिलती, ऐसी सिस्टम जो है या जो है वो लेगेसी सिस्टम के जुमरे में आएंगे। लैक ऑफ कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा सिस्टम जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन भी ना हो, कोई उसका कोई रिटर्न कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद ना हो कि सिस्टम क्या है, कैसे बना है, कौन सा आर्किटेक्चर पे बेस करता है, कौन सी इसके फीचर थे, कौन से नॉन फंक्शनल फीचर थे, वो सारी कहानी जो है वो जनाब कुछ भी ना हो उसका, अता पता ही कोई नहीं है कि सॉफ्टवेयर है क्या। पूरा मैनेजमेंट ऑफ डेटा ऑफन बेस्ड ऑन फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर्स। बात करते ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बकायदा डाटा तो स्टोर करते हैं लेकिन किसी जो रेगुलर जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जैसे आजकल अवेलेबल हैं वो ऐसे सिस्टम पे डाटा स्टोर नहीं करते, किसी फ्लैट फाइल के अंदर, नोट पैड के अंदर या ऐसी किसी फाइल के अंदर डाटा स्टोर करते हैं। तो ऐसा अगर डाटा स्टोर है कहीं पे तो ऑब्वियसली ऐसे डाटा को समझना बड़ा मसला है, क्योंकि उसमें ना तो आपको फील्ड नजर आनी है, ना कोई टेबल्स नजर आनी है, ना उनके कोई रिलेशन नजर आने हैं, सारा डाटा ऐसी टेक्स्ट की फॉर्मेट में उस नोट पैड की फाइल में पड़ा होगा फ्लैट फाइल के अंदर। तो जब उसका स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है तो आपको वो समझने में मुश्किल होगी। अगर ऐसा सिस्टम आपके पास आ जाए, ऐसा डाटा आपके पास आ जाए जिसमें से आपने मेंटेनेंस करनी है या उसको ठीक करना है, तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। डिग्रेडेड स्ट्रक्चर फॉलोइंग ईयर्स ऑफ मॉडिफिकेशंस। सॉफ्टवेयर जो है 10-15 साल पहले का बना है, उसके अंदर चेंजेस आती जा रही हैं, चेंज करते जा रहे करते जा रहे हैं, इतना चेंज हो गया है कि अब उसकी समझ नहीं आती यार इसका स्ट्रक्चर है क्या, ये सिस्टम था क्या, बना क्या था और अब क्या चीज़ बन गई है। ठीक है, तो बात कर चीजें जो हैं वो मॉडिफिकेशंस की सूरत में इस कदर मॉडिफाई हो जाती हैं कि जो उनका जो एक्चुअल उसकी बेस है या जो उसकी असल है वही खराब हो जाती है और आइडिया नहीं होता कि जनाब ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर था क्या, क्योंकि इस कदर मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है हमारा, और आपको पता है कि उसके अंदर काफी सारी तरामीम हो चुकी हैं। वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हर नई आने वाली हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी से अपने किसी भी फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर मॉडिफिकेशन करती रहती हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे हमारा 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो 73 का राउंड अबाउट ही बना होगा, क्या ख्याल है? तो उसको कितने साल हो गए हैं 73 से ऑनवर्ड? तो 60-70 साल मैक्सिमम हो गए होंगे बने हुए। तो उसमें 18वीं तरमीम के पता नहीं कितनी जो अमेंडमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो तो कई सौ साल पहले का बना हुआ है, और अब भी शायद इतने 100 साल गुजरने के बावजूद भी उसमें 18 तरामीम नहीं हुई होंगी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने शुरू में ही एक ऐसा कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाया कि उसमें एम्बिगिटी थी नहीं या एम्बिगिटी के चांसेस नहीं है और हर चीज़ पहले क्लियर है, इसलिए उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। और नतीजतन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अंदर एम्बिगिटीज काफ़ी हैं, जो डिफरेंट उसके एक्सपर्ट्स हैं उसका डिफरेंट मीनिंग लेते हैं हर बात के, तो फिर चीज़ों को क्लियर करने के लिए उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। तो अगर डॉक्यूमेंटेशंस हैं ऐसी जनाब सिस्टम जो है वो पुराना है और कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन इतनी हुई है कि जनाब असल जो चीज़ है वो अब मिलती ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर बाइबल भी है कि बाइबल कहते हैं कि उसके बारे में कि अब ओरिजिनल बाइबल जो है वो उसके अंदर इतनी मॉडिफिकेशन हो चुकी है कि जो ओरिजिनल बाइबल है वो ढूंढना मसला है, अब वो मिलती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो उसके पढ़ने वाले हैं जो उसके फॉलोअर्स हैं वो जनाब अपनी मर्जी से अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उसमें चेंजेस करते जा रहे हैं। बहरहाल ये एक मजहबी मसला है, इसको हम डिस्कस नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई बंदा इससे कोई मीनिंग ले सकता है। वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू एक्सपेंड। समटाइम सॉफ्टवेयर जो है वो उसका कोई ना कोई आर्किटेक्चर को डिजाइन होता है जिसपे वो बेस करता है, तो समटाइम जो बनाने वाला डिजाइनर है उसका वो ऐसा फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर बनाता है कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन बड़े आसानी से हो जाती है, उस सिस्टम को अपग्रेड करना आसान हो जाता है। लेकिन समटाइम जो एक्सपर्ट नहीं होते वो उस डिज़ाइन को बनाते हुए इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते कि कल को मॉडिफिकेशन आ सकती है, इस सिस्टम को मज़ीद एक्सपेंड भी करना पड़ सकता है। ये ऐसे ही है कि जैसे मिसाल के तौर पर यू फोन कंपनी जैसे लॉन्च हुई तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया वो अपने लिए, ठीक है,
और जैसे यूफोन एक्सपेंड की, उन्होंने जनाब पूरी दुनिया के अंदर या सारे शहरों के अंदर अपनी फ्रेंचाइजेस बना दी। तो जैसे ही बिजनेस एक्सपेंड करता है तो समटाइम सॉफ्टवेयर जो उनकी एप्लीकेशन काम कर रही हैं उनको भी एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती है। कोई भी बंदा, कोई कंपनी ऐसी है जिसने एक दुकान से बिजनेस स्टार्ट किया हो और उसके लिए सॉफ्टवेयर चल रहा हो, लेकिन जैसे ही वो सिस्टम बिजनेस जो है एक्सपेंड कर जाए तो बाज का तो उनको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर नई मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर वो मॉडिफिकेशन पॉसिबल ना हो तो फिर भी सिस्टम जो है वो किसी काम का सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा। रन्स ऑन ओल्ड प्रोसेसर्स विच आर जनरली मच स्लोअर, जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं सॉफ्टवेयर उन पे बेस करता हो या उनके थ्रू चलता हो तो फिर भी मसला होगा उसको अपग्रेड करना या उसको रेनोवेट करना। द सपोर्ट टीम इज टोटली रिलायंट ऑन द एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स, जो टीम है वो टोटली जनाब उन बंदों पर डिपेंड कर रही है जो कि एक्सपर्ट हैं उसके। अब मिसाल के तौर पर अगर सॉफ्टवेयर पुराना को कबूल के अंदर चल रहा है किसी बैंक के अंदर या किसी अदारे के अंदर, तो जो करंट टीम होगी वो तो उसको ऑपरेट करना जानती है कि जनाब इसको कैसे चलाना है, लेकिन खुदा ना खासा कोई मसला आ जाए तो फिर वो जो एंड यूजर है वो उसको चेंज नहीं कर सकेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसकी कोडिंग कैसे हुई है तो इसको कैसे चेंज करना है। तो वो क्या करेंगे, वो फिर एक्सपर्ट पे रिलाई करेंगे कि अगर कोई एक्सपर्ट मिले तो उसके उससे ये मॉडिफिकेशन कराई जाए। अब एक्सपर्ट मिलेगा नहीं तो फिर वो सॉफ्टवेयर जो है वो किसी काम का नहीं है, बेशक उस पर लाखों करोड़ रुपया भी लगा हो ऑर्गेनाइजेशन का। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जी, ये अगर किसी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं तो फिर हम उसको लेगेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम या लेगेसी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। अब इसका कुछ सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी। अगर ये मसाइल हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर भर्ती हो गए और आपको एक पुराना सिस्टम दे दिया गया बना बनाया कि जनाब ये सिस्टम भी आपने मैनेज करना है जिसकी आप अलफबे भी नहीं जानते और ऐसे टूल के अंदर बनाया हुआ है जिस टूल का कभी आपने नाम भी नहीं सुना, तो ऐसे सिस्टम को फिर कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे लेके चलना है, या ऑर्गेनाइजेशन के पास जिनके पास लेगेसी सिस्टम होते हैं वो इन मसाइल से कैसे निमटते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ अवेलेबल स्किल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम देयर इज अ स्ट्रांग अर्ज टू गेट राइट ऑफ द लेगेसी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एज सून एज पॉसिबल एंड स्टार्ट विद समथिंग मॉडर्न। जिनके पास ये सिस्टम ऐसे अवेलेबल हों वो कोशिश करते हैं कि जनाब ऐसे सिस्टम से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल किया जाए और नए सिस्टम की तरफ आया जाए जो मॉडर्न सिस्टम है जो करंटली अवेलेबल है, इंप्लीमेंटेड है। देर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ सॉल्यूशंस फॉर लेगेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और सिंपली लेगेसी सिस्टम, दीज सॉल्यूशंस जनरली फॉल इनटू सिक्स कैटेगरीज। अब इन जो ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको उनको निमटने के लिए उस मसाइल से छह तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो मार्केट के अंदर यूज होते हैं या छह तरीकों से इन मसाइल से निपटा जाता है। पहला है फ्रीज, पहला सॉल्यूशन। फ्रीज क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स टू नॉट कैरी आउट फर्दर वर्क ऑन द लेगेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहला हल तो है इस लेगेसी सिस्टम से निमटने का कि इस सिस्टम को फ्रीज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए कि जनाब अब हमने इसका कोई भी जो मसला है उसको हल नहीं करना, ठीक है, जैसे चलता है बस ऐसे चलाई जाओ इसको। दूसरा है आउटसोर्स, एन ऑर्गेनाइजेशन may decide that supporting legacy or any software is not its core business, the organization may outsource it to a specialist organization offering this service. Company जो software इस्तेमाल कर रही है अब वो फील करती है जना हमारे पास expertise नहीं है तो हम ऐसा करते हैं outsource कर लेते हैं, किसी तीसरी party की खदमात ले लेते हैं कि जनाब अगर कोई भी मसला होगा इसके अंदर तो हम उस कंपनी को कहेंगे वो खुद ही इस मसले को हल करते जाएंगे। अब उस पर जितना खर्चा आता है वो ऑब्वियसली उस कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ेगा जिसका वो लेगेसी सॉफ्टवेयर है। आउटसोर्सिंग आपको पता है कि एक रिनाउंड टेक्निक है काम करने की या मैनेजमेंट की, जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं और वो आपके बिहाफ पे काम करती है। आउटसोर्सिंग का मतलब जैसे आपके आपने को काम करना है और आपके पास कोई एक्सपर्टीज को रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आप किसी से रब्ता करें कि यार से सॉफ्टवेयर मुझे डेवलप कर दो, मैं आपको इतना पे करूंगा। तो आपने क्या किया, उसको आउटसोर्स कर दिया। ये क्लाइंट के लिए नहीं है, आमतौर पर ये टर्म जो है वो डेवलपमेंट टीम के लिए यूज़ होती है कि जनाब आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपकी एक टीम है और आपको सॉफ्टवेयर बनने के लिए आ जाए कोई भी। मिसाल के तौर पर आप सॉफ्टवेयर उस रन कर रहे हैं और आपकी टीम जो .NET के अंदर काम करती है और .NET की बजाय पाइथन का सॉफ्टवेयर बनने के लिए आ गया, तो और आपकी टीम के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है तो आप क्या करेंगे, या तो उस क्लाइंट को ना कर देंगे कि नहीं जनाब हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है आप कहीं और से बनवा लें, और दूसरा तरीका कार ये है कि आप क्लाइंट को जाने ना दें और जनाब उससे क्लाइंट से आप डील कर लें लेकिन वो सॉफ्टवेयर किसी और से बनवा के उसको दे दें,
जो ऐसी टीम जिनके पास पाइथन की एक्सपर्टीज हैं, आप अपने तौर पे उनसे रब्ता करें और सॉफ्टवेयर डेवलप करके क्लाइंट को वापस कर दें। तो आपने क्या किया कि आपने आउटसोर्स करवाया, बेशक नाम आपका ही चल रहा है लेकिन बैकएंड पे जो इम्प्लीमेंटर है, जो डेवलपर है, वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेगेसी सिस्टम की सूरत में लेगेसी सिस्टम जो है वो एक बोझ की तरह है जो कि कंपनी चला रही है, उसके बहुत सारे मसाइल होंगे, तो कंपनी उसे किसी तरीके से जान छुड़ाना चाह रही है। तो एक तरीका ये भी है कि उसको आउटसोर्स कर दिया जाए कि जनाब जितने भी मसाइल, जितनी अपडेशन होंगी वो कोई और कंपनी जो उसके साथ डील कर लेते हैं, वो उसको मैनेज करते जाएंगे। वजह इसके कि आप मिसाल के तौर पर कोबोल के अंदर बना हुआ सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, कोबोल का बंदा नहीं मिल रहा, तो आप पहले मार्केट से कोई बंदा ढूंढें, ठीक है? वो बंदा क्योंकि यूनिक बंदा होगा डेवलपर, तो वो जना मुंह मार्किंग की कीमत लेगा, तो बजाय वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपने लाख रुपए का सॉफ्टवेयर बनाया था, तो अब आपको पर मंथ लाख रुपया उसकी मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा उस बंदे को तनख्वाह, तो फिर तो बहुत ही महंगा हो जाएगा काम। तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा एम्प्लॉई को ढूंढ लें कोई बंदा जो कहीं पे भी बैठा हो, जब आपको उसको जरूरत पड़े तब वो अपनी सर्विसेज दें, यानी उसको आउटसोर्स कर दें। फिर है कैरी ऑन मेंटेनेंस। डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स टू कैरी आउट ऑन मेंटेनेंस फॉर अनदर पीरियड। कंपनी सोचे यार हमने इतना पैसा लगा के ये सॉफ्टवेयर बनाया था, हमारा काम भी चल रहा है, तो छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो चलो हम ऐसा करते हैं 6 माह और इसको चला लेते हैं, 6 माह तक जितने मसाइल होंगे हम उनको चलाते जाएंगे साथ साथ, फिर 6 माह के बाद देखेंगे इसका क्या करना है। तो आप वक्ती तौर पर उसकी मेंटेनेंस जो है उसको आगे लेके चलते रहते हैं और उससे जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि अभी फौरी तौर पर हो सकता है आप किसी वजह से उससे जान छुड़ाना जो है वो अफोर्ड ना करते हो या कर ना पाए। एंड पॉसिबल है कि इस वक्त फौरी तौर पे आपका बिजनेस जो है वो बड़ा क्रिटिकल स्टेज पे है, बिजनेस में जाकर तौर पर पीक पे है, और आप फौरी तौर पे आप स्विचिंग नहीं कर सकते, या आपके पास फाइनेंस का इशू है कि जना फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है और आप नया सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते इसकी बजाय, या आपके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है, आपका ख्याल हमारे पास टीम ही नहीं है, नया सॉफ्टवेयर जो बन के आएगा उसको कौन हैंडल करेगा, जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसको चलाने के लिए तो बंदे मौजूद हैं, वो तो उसके फॉर एग्जांपल उसके उससे वाकफ हैं, शनासा हैं उससे, वो तो चला रहे हैं उसको, तो नया सॉफ्टवेयर बनेगा तो नए बंदे हायर करने पड़ेंगे फिर हो सकता है, तो हम ये रिस्क अभी नहीं ले सकते, लिहाजा इसको चलाते जाओ। तो आप उसकी जो मेंटेनेंस है उसको आगे कैरी ऑन करते रहते हैं। डिस्कार्ड एंड डेवलप, और उसका जो चौथा हल है लेगेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम का, द ऑर्गेनाइजेशन थ्रोज ऑल द सॉफ्टवेयर अवे एंड रीडेवलप्स द एप्लीकेशन वंस अगेन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग अ न्यू हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर टूल्स एंड डेटाबेसेस। ये जो पांचवा सॉल्यूशन है इसमें आप क्या करते हैं कि जनाब आप उससे जान छुड़ा लेते हैं सॉफ्टवेयर के, उसको उठा के बाहर मारते हैं और नया सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेते हैं, जिस जो कि करंट जो आपकी नीड्स हैं, जो करंट टूल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनको सामने रखते हुए। दिस अप्रोच रिमूव्स द लेगेसी प्रॉब्लम इन वन स्ट्रोक। ये जो अप्रोच है इसमें आप एक ही दफ़ा एक ही डिसीजन के थ्रू पूरी एप्लीकेशन जो है उसको उठा के बाहर मारते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं नई एप्लीकेशन के साथ। बट ऑल्सो रिमूव्स द यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यू सिस्टम। लेकिन इसके साथ ये भी होता है कि नया सिस्टम जो डेवलप होना है ओबियसली उसके लिए रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए, तो अगर पुराना सिस्टम अवेलेबल है तो आपको रिक्वायरमेंट्स जो है वो लेने में आसानी हो जाएगी। हम देख रहे थे डिस्कार्ड एंड डेवलप, उसके ऑप्शन या उसका सोल्यूशन लेगेसी सिस्टम का। इसमें हम देख रहे थे कि आप एक ही स्ट्रोक के अंदर या एक ही डिसीजन के अंदर पुराना सिस्टम जो है उठा के बाहर मारते हैं और उसकी जगह नए सिस्टम को रिप्लेस कर लेते हैं। लेकिन इशू यह है कि जब नया सिस्टम बनाना हो तो उसके लिए पहले रिक्वायरमेंट गैदर करनी पड़ती है, और रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो अच्छा खासा टेक्निकल प्रोसेस हो सकता है, खासतौर पर उस वक्त जब आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने लगें जो आप पहली दफ़ा बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने कभी भी ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम नहीं बनाया, तो अगर आप फर्स्ट टाइम वो सॉफ्टवेयर बनाने लगेंगे तो आपको काफ़ी खपना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट लेने के लिए, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी डेवलप किया होता तो फिर तो आपको आसानी होती कि आप पहले भी बना चुके हैं, तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर आपको थोड़ा सा खपना पड़ेगा। तो मसला ये है कि रिक्वायरमेंट लेना जो है वो काफ़ी एक टेक्निकल प्रोसेस है, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई सिस्टम अवेलेबल हो, चाहे मैनुअल सिस्टम ही चल रहा हो, तो उसकी मदद से रिक्वायरमेंट जो है बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर कुछ भी अवेलेबल ना हो, स्क्रैच से जीरो से आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो फिर आपको रिक्वायरमेंट ढूंढने में, उनको एनालाइज रिव्यू करने में, फाइनलाइज करने में बड़ा खपना पड़ता है। लास्ट इसका सोल्यूशन है रैप। इट इज़ द ब्लैक बॉक्स बेस्ड मॉडर्नाइजेशन टेक्निक सराउंड द लेगेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम विद द न्यू लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर
to hide the complexity of the existing interface application and data with a new interface. जैसे रैपर होता है किसी चीज़ का, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं खाने वाली कोई चीज़ है, कोई चॉकलेट है या ऐसी चीज़ है, उसके ऊपर एक तय मौजूद होती है, एक लेयर मौजूद होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है या उसको हाइड करती है, ठीक है। तो जो रैपर है उसकी भी सेंस यहाँ पे ऐसे ही बनती है कि इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि जो ऑलरेडी पुराना सिस्टम है उसको उसके ऊपर एक इंटरफेस की एक लेयर चढ़ा दी जाती है जो कि उसकी लुक को बिल्कुल बिल्कुल टोटली नया बना देती है, कि नया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसके ऊपर लगा दिया जाए, पीछे वर्किंग वही रहे लेकिन उसके ऊपर एक नया लेबल लगा दिया जाए, एक नया रैप लगा दिया जाए, उसको रैप कर दिया जाए किसी नए इंटरफेस के अंदर, ताकि वो देखने में बिल्कुल नया लगे और लगे कि जनाब ये कोई पुराना सिस्टम नहीं है, नया सिस्टम है। ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू लेगेसी सिस्टम जो है उसके प्रॉब्लम्स के साथ निपटा जाता है। एक है माइग्रेट। By means of migration, a legacy system is ported to a modern platform while retaining most of the system's functionality and introducing minimal disturbance in the business environment. फिर आप क्या करते हैं sometime कि पुराना जो legacy system है उससे उसके मसाइल से निपटने के लिए आप migrate करते हैं दूसरे tools की तरफ, कि आप जो actual functioning है software की उसको आप वैसे रहने देते हैं लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं जो कि ज़रूरी हों ताकि सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटा जा सके और जो एक्चुअल वर्किंग है उसको ना छेड़ा जाए। तो कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको आप चेंज कर लेते हैं, नए फीचर डाल लेते हैं, कोई नया इंटरफेस डाल लिया या ऐसा कोई भी काम कर लिया ताकि एक्चुअल वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो और सॉफ्टवेयर जो है उसके मसाइल जो हैं वो भी कम हो जाए, क्योंकि लेगेसी सिस्टम जो है वो पुराना सॉफ्टवेयर है, पुरानी एप्लीकेशन है जो कि अब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, आपका काम उससे नहीं चल रहा, आपको वो चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो ऑब्वियसली आप चेंज ना करें तो उसके अगर कुछ फीचर को चेंज कर लें जिनके चेंज करने से आपका काम चल जाएगा तो फिर आप माइग्रेट वाली ऑप्शन जो है उसको चूज करते हैं। अभी तक हमने लेगेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा कि क्या होता है सॉफ्टवेयर के अंदर और उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और उसके सोल्यूशन क्या होते हैं। अभी हमने रैपिंग का जिक्र किया, रैपर का, कि जो रैपिंग है वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप उस सॉफ्टवेयर को उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, एक नई लेयर ऐड कर देते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर देखने में जो है वो डिफरेंट लगे या नया लगे। 1988 डाइट्रिच फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रैपर एट IBM। IBM के अंदर जो है एक ऑथर ने, एक साइंटिस्ट ने 1988 के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिफाइन किया था कि जो रैपिंग टेक्निक है ये भी अप्लाई हो सकती है लेगेसी सिस्टम के प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। रैपिंग इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू मॉडिफाई एंड एनहांस अ लेगेसी कंपोनेंट। अ रैपर डज नॉट डायरेक्टली मॉडिफाई द सोर्स कोड बट इंस्टेड इट इनडायरेक्टली मॉडिफाइज द एंड चेंजेस द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी ऑफ द लेगेसी कंपोनेंट्स। रैपिंग मींस encapsulating the legacy components with a new software layer that provides a new interface and hides the complexity of the old component. ये जो रैपिंग का प्रोसेस है ये एक टेक्निक है जिसमें आप ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी कोडिंग या इंटरनल जो वर्किंग है उसको नहीं छेड़ते, अंदर से उसको चेंज नहीं करते, बल्कि उसके जो ऊपर उसके जो लेयर है इंटरफेस की उसको चेंज कर देते हैं ताकि उसका फ्रंट एंड जो है वो बदल जाए और अंदर फंक्शनैलिटी वही रहे। ये अगर हम देखें तो हम क्या करें सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, और यही हमारी री इंजीनियरिंग है बेसिकली, कि जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो ये रैपिंग भी उसी टेक्निक्स में से एक टेक्निक है कि आप सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाना चाह रहे हैं लेकिन आप अंदर से उसको नहीं छेड़ते, उसके कोडिंग फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं करते, बल्कि उसका जो इंटरफेस है या उसकी जो अपर लेयर है उसको आप छेड़ते हैं। रैपिंग इज अ ब्लैक बॉक्स री इंजीनियरिंग एक्टिविटी। ब्लैक बॉक्स क्यों इसको कहा जा रहा है जी, कोई बंदा आइडिया है किसी को? व्हाइट बॉक्स टेक्निक क्यों नहीं है ये? अलमाज भी नहीं है, अब्बास भी नहीं है, जो चलो कुछ थोड़ी बहुत गपशप लगाते थे। उम्र तुम बताओ। सर इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर का?
इंटरनेट बॉक्स सॉकेट टेस्ट, एड्रेस करते हैं, ये कह रहे हो? व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है। ब्लैक बॉक्स हम ये कह रहे हैं कि ये जो रैपिंग की टेक्निक है ये ब्लैक बॉक्स टेक्निक है। ये क्यों है ऐसे? ब्लैक बॉक्स में हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल वर्किंग को नहीं छेड़ते, ये चेक नहीं करते, बल्कि ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी ओवरऑल बाहर बाहर से उसकी जो फंक्शनैलिटी आउटपुट है वो देखते हैं। ये बेसिकली टेस्टिंग की टेक्निक है। लेकिन रैपिंग को हम ब्लैक बॉक्स टेक्निक इसलिए कह रहे हैं कि इसमें भी हम सॉफ्टवेयर को अंदर से कोड उसका चेंज नहीं करते री इंजीनियर करने के लिए, बल्कि बाहर से ओवरऑल जो उसका इंटरफेस है बाहर बाहर से वो चेंज करते हैं। तो इसलिए ये ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स के रेलिवेंट लगती है। इन सॉफ्टवेयर कॉन्टेक्स्ट द टर्म रैपर रेफर्स टू अ प्रोग्राम और कोड दैट लिटरली रैप अराउंड अदर प्रोग्राम कंपोनेंट्स। ये जो रैपर है ये बेसिकली कोड है, ठीक है, जो कि हम लिखते हैं जिसकी मदद से हम किसी और सॉफ्टवेयर का जो कोड है उसके उसके इर्द गिर्द एक रैप चढ़ा देते हैं, या एक यूजर इंटरफेस की, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक तय चढ़ा देते हैं, ताकि वो सॉफ्टवेयर जो है वो पता नहीं चले कि जनाब अंदर से ये कैसा है। बाहर से जो मॉडर्न लुक है वो उसकी नजर आएगी, और जो उसके यूजर हैं वो उसको पता नहीं चलेगा कि जनाब ये अंदर से सॉफ्टवेयर पुराना सॉफ्टवेयर है। सेवरल डिफरेंट रैपर फंक्शंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, दे आर ऑफन यूज फॉर इंश्योरिंग कंपेटेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्स। अल्टरनेटिवली दे कैन बी यूज फॉर विजुअल रीजन्स, जो जो विजुअल रीजन्स हैं कि सॉफ्टवेयर का जो विजुअल है, जो उसका इंटरफेस है वो कैसे चेंज करना है, वो कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये उसको कैसे मॉडिफाई करना है या मॉडरेट करना है, ये रैपर जो है ये इसके लिए यूज होता है। और जैसे मैंने कहा कि रैपर जो है वो कोई कोड हो सकता है। रैपर्स कैन बी इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, क्लास और कुछ भी हो सकता है। ये जो कोई भी चीज जिस जो छोटा सा कोड का पीस ऑफ कोड है ये इसको हम रैपर कह सकते हैं। रैपर वो कोड होगा जो कि किसी दूसरे कोड की जो आउटलुक है वो उसको चेंज करेगा। अब ये रैपर जो हैं ये किस चीज को रैप करते हैं, ये किन किन चीजों को मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं? एक तो है डेटाबेस रैपर्स। डेटाबेस रैपर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि डेटाबेस की जो आउटलुक है या उसकी जो वर्किंग है वो उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करते हैं। दो तरह के रैपर्स हैं, फॉरवर्ड रैपर्स और बैकवर्ड रैपर्स। द फॉरवर्ड रैपर्स अप्रोच शोज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू कंपोनेंट टू अ लेगेसी सिस्टम। आप ऑलरेडी जो डेटाबेस बनी हुई है आप उसको नहीं छेड़ते, जैसे उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं ताकि आपके जो करंट सॉफ्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं वो उसके अंदर भी ऐड हो जाएं और आपकी वही डेटाबेस चलती रहे। क्योंकि लेगेसी सिस्टम हम उस सिस्टम को कह रहे हैं जो कि पुराना सिस्टम है, अब हमारा उससे काम नहीं चल रहा, कोई मसाइल आ रहे हैं हमें। तो मसाइल को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसके जो वर्किंग एग्जिस्टिंग वर्किंग है उसको आप ना छेड़ें, उसको अभी भी चलने दें, और साथ में जो आपकी कमी है, जो डेफिशिएंसी आपको फील हो रही है वो भी उसमें ऐड कर दें, ताकि पुराने और नए फीचर जो हैं वो दोनों ही चलते रहें और आपका जो काम है वो चल जाए। दूसरा है बैकवर्ड रैपर्स। इन बैकवर्ड रैपर्स अप्रोच डेटा आर माइग्रेटेड फर्स्ट फॉलोज द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, कि इसमें आप जो है वो ये वाली कहानी नहीं चलाते हैं कि जनाब उसके अंदर नई मॉडिफिकेशन कर लें, तो जो एग्जिस्टिंग जो फीचर्स हैं आप उन्हीं को ही मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं को ही रैप करने की कोशिश करते हैं। फॉरवर्ड में तो आप एक स्टेप आगे जाते हैं ताकि उसको मजीद एनहेंस किया जाए, जबकि बैकवर्ड में जो उसके अंदर इश्यूज हैं आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जनाब इसको कैसे हाइड किया जाए रैपर की मदद से। सिस्टम सर्विस रैपर्स। आपको पता है कि सिस्टम जो है वो डिफरेंट तरह के उसके जो बेसिस हैं, किसी भी सिस्टम को बनाने की बेस डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे ये सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की जो प्रोसेस है वो उसकी बेस डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको शायद किसी को याद हो, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर आपने पढ़ा था, उसके अंदर आपने डिजाइन टेक्निक्स पढ़ी होंगी कि एक सॉफ्टवेयर की डिफरेंट डिजाइन टेक्निक्स होती हैं, सॉफ्टवेयर को डिफरेंट तरह से डिजाइन किया जा सकता है। और जो टेक्निक्स हैं उनमें से अगर आप में किसी को याद है तो एक तो थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैटर्न, जो डिजाइन पैटर्न शायद आपको याद हो, डिजाइन आर्किटेक्चर साइज और डिजाइन पैटर्न आपने पढ़े होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैटर्न था जी, सर्विस ओरिएंटेड डिजाइन पैटर्न था, डोमेन बेस्ड या डोमेन ओरिएंटेड डिजाइन पैटर्न था। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स थी जिनके थ्रू आप किसी भी सिस्टम को डिजाइन करते हैं, ठीक है। कि बाज का तो आप देखते हैं कि सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं,
आप उसकी बिना पे डिजाइन में आते हैं, फिर देखते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, आप उन सर्विसेज को बेस बनाते हुए डिजाइन बनाते हैं। फिर आप देखते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसकी कौन कौन सी डोमेन्स हैं, आप उसकी बिना पे उसको डिजाइन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है बनाना आपने, उसके अंदर सेल्स हो रही है, उसके अंदर सपोर्ट हो रही है, उसके अंदर परचेज हो रही है, उसके अंदर एचआर का कंपोनेंट है, उसके अंदर फाइनेंस का कंपोनेंट है, तो ये डिफरेंट डोमेन्स हैं, ठीक है। तो आप इनकी बिना पे सॉफ्टवेयर का डिजाइन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर आप बनाने लगे हैं तो आप देखें यार इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, स्टूडेंट है, टीचर है, डिग्री प्रोग्राम है, एचओडी है, डीन है, डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है, ये डिफरेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप इनको जेन में रखते हुए डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो सर्विस है वो क्या आपका सॉफ्टवेयर दे रहा है, वो सर्विसेज को आप रैप करें कि जो सिस्टम की डिफरेंट सर्विसेज हैं। मिसाल के तौर पर एक सिस्टम जो है वो आपको रिपोर्ट्स भी दे रहा है, वो जनाब आपको सेल परचेज की भी ऑप्शन दे रहा है, वो इन्वेंटरी की ऑप्शन दे रहा है, तो आप किसी एक सर्विस को रैप करना चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि पूरी एप्लीकेशन को रैप करें और नया टोटली एक नया लेयर चलाएं और सारे सिस्टम को चेंज करके रख दें, तो बजाय इसके कि जिस सर्विस से आपको इश्यू है, जिस सर्विस को आपने मॉडिफाई करना है, सिर्फ उसको रैप करें, सबको ना छेड़ें। लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है जी लेवल ऑफ एनकैप्सुलेशन। ये जो रैप हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो पुरानी चीजें हैं उनको हाइड कर रहे हैं और उसके ऊपर एक नई तह चढ़ा रहे हैं। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, किसी को याद है ओप के अंदर ये इनकैप्सुलेशन क्या थी? ये डेली लाइफ के अंदर आप कैप्सूल आपने कभी खाया हो, चलो इस तरह लेते हैं कि कैप्सूल तो खाया होगा कभी ना कभी दवाई के तौर पे, वो कैप्सूल ऐसा क्यों होता है? यस सर, आप गोली भी तो खा सकते हैं। कैप्सूल की जो है उसके अंदर होती है, उसके अंदर दवाई भरी भी होती है। नहीं अहमद मुझे आवाज सही नहीं है, दोबारा बताओ। कैप्सूल के अंदर जो होता है ना उसके अंदर हमारी दवाई भरी हुई होती है पाउडर के, हाँ उसके अंदर दवाई होती है, तो वो बंद करके क्यों खाते हैं, वो वैसे भी तो खा सकते हैं आप। सर क्वेश्चन क्या है आपका? मैंने ये पूछा, वैसे तो मैंने एनकैप्सुलेशन पूछा था स्टूल के अंदर क्या होता है, लेकिन वो जब कोई नहीं बोला तो मैंने कहा कम से कम कैप्सूल का तो पता होगा ना, तो आप क्यों खाते हैं डेली लाइफ के अंदर? सर ठीक होने के लिए, ठीक होने के लिए, लेकिन वो कैप्सूल क्यों है? मिसाल के तौर पर अभी अहमद ने कहा कि ना उसके अंदर दवाई होती है, ठीक है, उस खोल के अंदर वो दवाई हमने खानी होती है, तो इसलिए हम उसको कैप्सूल के अंदर डाल के खाते हैं। तो मैंने कहा जब दवाई खानी है तो कैप्सूल के अंदर बंद करके क्यों खाते हैं, वैसे भी तो खा सकते हैं। तो सर ये तो बनाने वाले को पता होना कि उसने कैप्सूल क्यों बनाया। नहीं यार तो नहीं पता कि सर वो कैप्सूल की जो मेडिसिन है ना सीधी इफेक्ट करे जाके मेन जगह पे, रास्ते में ना उसका असर खत्म हो जाए। यार उमर साहब दवाई जो है रास्ते में, मतलब उसने शाहदरा से कराची पहुंचना है, रास्ते में खराब हो जाएगा सर, मेदे तक पहुंचने के लिए वैसे कुछ तो फासला तय करना पड़ेगा ना सर। वैसे अगर इतनी सी सर, अगर हम सर पास सर, अगर इतना सा सर उसके अंदर होता है मटेरियल सर, अगर वैसे खाएं वो कैसे खाया जाएगा, इसलिए सर कैप्सूल के जरिए सर उसे बचाते हैं। क्या मतलब कैसे खाया जाएगा, ये तो कोई अफाक साहब कोई लॉजिक नहीं बनती। नहीं सर उसके अंदर होता कितना सा मटेरियल है, इतना सा मटेरियल होता है, दो दाने नहीं होते इसके अंदर। नहीं यार चलो वो लगा टेंशन है, लेकिन असल जो उसका पर्पज है ना, मेरी जो जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो ये है कि समटाइम ऐसी आप मेडिसिन लेना चाहते हैं जो आप डॉक्टर चाहता है कि वो सीधी स्टमक के जा स्टमक के अंदर जाकर रिजॉल्व हो, ठीक है। तो सर मैंने आपको बताया जैसे हम दवाई खाएंगे तो जैसे कोई गोली टेबलेट खा के हम पानी का घूंट पीने के बाद उसको अंदर करते हैं तो आपको फौरन उसका जायका आता है गोली का, ठीक है। इसका मतलब कि वो आपके मुंह से ही आपके जबान से ही रिजॉल्व होना या डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, और डेफिनेटली जब ट्रेवल करेगी आपकी खुराकी नाली से तो आस्ता आस्ता वो डिजॉल्व होती जाएगी आगे तक। तो बाज का तो जो है वो डॉक्टर चाहते हैं कि मेडिसिन जो है वो डायरेक्टली मेदे के अंदर जाके रिजॉल्व हो, रस्ते में ना हो, तो फिर आपको वो मेडिसिन कैप्सूल के अंदर हाइड करके दी जाती है ताकि वो कैप्सूल खाएं। तो कैप्सूल जो है आप तो आपको पता है कि किसी ना किसी खाने वाली चीज जैसे वो चावलों का जो होती है वो प्रोडक्ट होती है उससे मिलके बनी होती है, तो वो जैसे ही पानी थोड़ी देर तक वो मेदे में रहेगी तो खत्म हो जाता है जो कैप्सूल का बाहर वाला कवर है, और मेडिसिन जब खुलती है तो मेदे के अंदर मौजूद होती है वो,
ठीक है, वो रस्ते में खुराक की नाली के अंदर रिजॉल्व नहीं होती। बहरहाल इसके और भी बहुत सारे पर्पजेज होंगे, या बस अगर समटाइम ये भी हो सकता है बहुत ही कड़वी दवाई है वो आप वैसे नहीं खा सकते, आप कैप्सूल के अंदर डाल के खा लें तो आपको उसका जायका फील नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे इसके पर्पजेज हो सकते हैं। तो जो कैप्सूल है वो बाहर क्या हो रहा होता है उसमें, कि जो उसके इंटरनल चीज है, जो डिटेल है, वो आपसे हाइड की जाती है। ठीक है, कि उसका जो इंपैक्ट है, जो भी उस सारी कहानी है, वो आपको ऐसे ना पता चले, आपको जायका ना पता चले, जस्ट मेदे के अंदर जाके पता चले कि जनाब ये क्या चीज थी। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन किसी को याद आई है कि ऊप के अंदर क्या थी? कोई बंदा नहीं आ रहा, बाकी सब पता तो प्राइवेट और पब्लिक, हाँ प्राइवेट फील्ड को पब्लिक मेथड बनाते हैं, पब्लिक मेथड के जरिए प्राइवेट फील्ड को सेट करते हैं। नहीं अहमद, तुम ये अगला जवाब दे रहे हो अगले सवाल का जो अभी मैंने किया, ये तो मेरा बेसिक सवाल है कि पहले तो ये पता एनकैप्सुलेशन होती क्या है, तुम तो ये बता रहे हो कि इंप्लीमेंट कैसे होती है। इंप्लीमेंट तो चलो बाद की बात है, पहले ये तो बताओ होती क्या है ये। सर सिक्योर करते हैं डेटा को ना, ताकि वैल्यू जो है वो सेट हो जो कि ये हमारे मुताबिक है, यानी रैपर ऐड करते हैं एक सिक्योर करने के लिए। फिर वो जो रैपर है ऊप के अंदर, वो रैपर क्या होता है भला, उसका नाम है कोई? ऊप में तो शायद आपने रैपर ना सुना हो, लेकिन ये अभी हमें रैपर के बारे में डेफिनेशन देखिए, रैपर होता क्या है। ठीक है, जो मुख्तलिफ किसी भी चीज को रैप कर देता है, उसको ढांप देता है या उसको इनकैप्सुलेट कर देता है, ताकि उसके अंदर वाली कहानी जो है हमें नजर ना आए। तो ऊप के अंदर कहीं ये काम आपने किया? ऊप में फिर रैपर को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेटर नहीं, इनकैप्सुलेशन तो टेक्निक है ना। उसके इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, जो जिस चीज के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं वो क्या है? क्लास तो नहीं गई? क्लास एक रैपर, क्लास आप क्या करते हैं आमतौर पे? आपको पता है जब आप नए नए प्रोग्रामर बने थे तो आप मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते थे और कोई ना कोई फंक्शन भी डिक्लेयर करते थे फिर उसके बाहर। ठीक है, लिहाजा इस तरह क्या था कि आपके वेरिएबल कहीं और पड़े हुए हैं और आपका जो फंक्शन है कहीं और पड़े हुए हैं। तो फिर आपने जब आप थोड़े से मैच्योर प्रोग्रामर बने तो फिर आपने क्या किया, इन तमाम चीज़ों को एक खोल के अंदर बंद करना शुरू कर दिया। वो खोल क्या था? वो क्लास थी, कि आपने एक क्लास बनाई, एक खोल बनाया और उसके अंदर सारी दवाई पैक कर दी, वेरिएबल भी उसके अंदर डाल दिए, फंक्शन भी उसके अंदर डाल दिए और उसको रैप कर दिया एक क्लास के अंदर और उसका कोई नाम रख दिया एक्स वाई जी। तो वो जो क्लास है, जो एक्स वाई जी है, वो बेसिकली रैपर है। ठीक है, जिसके अंदर आपने कुछ चीज़ें हाइड कर दी या छुपा दी। वो छुपाने वाली चीज़ें क्या थी, कि वेरिएबल्स थे, फंक्शन या मेथड्स थे जो उस क्लास को इम्प्लीमेंट करते थे। और फिर उसको हाइड करने का या रैप करने का जो तरीकाकार थे, वो जो अहमद ने अभी बताया मुझे कि वो प्रोटेक्टेड और पब्लिक वो टेक्निक्स थी जिनके थ्रू आप ये तय करते हैं कि वो रैपर जो है वो कितने एक्सेस दे किसी को। जैसे आपको पता है कैप्सूल भी आप अगर देखें तो कैप्सूल का एक साइड ट्रांसपेरेंट होती है आधी और आधी ट्रांसपेरेंट नहीं होती बाज़ का। ठीक है, तो ये ऐसे ही मुझे जहन में आ गया कि ना बाज़ का फिर आप जब रैप करते हैं तो रैप ऐसे ही जैसे आप ट्रांसपेरेंट पेज के साथ रैप करते हैं या किसी ऐसे पेज के साथ किसी को रैप करें जिससे अंदर वाली चीज़ नजर ना आए। जैसे खाने वाली चीज़ों में भी होता है कि आप कोई चॉकलेट या ऐसी चीज़ खरीदते हैं, बाज़ का तो उसका ट्रांसपेरेंट होता है रैपर जिसके अंदर से आपको नजर आ रहा होता है कि अंदर क्या चीज़ है, चॉकलेट का कलर क्या है, लेकिन समटाइम ऐसे रैपर होते हैं जिससे अंदर वाली जो डिटेल है वो हाइड रहती है, पता नहीं चलता अंदर किस तरह की चीज़ है। जो आप रैपर को खोलेंगे तो फिर आइडिया होता है कि अच्छा ये फलां चीज़ का ये कलर है या इस फॉर्मेट में, इस शेप में है। ठीक है, तो रैपर जो है वो क्लास की एग्जांपल हो सकती है कि जो क्लास है वो आपके एक रैपर के तौर पर काम करती है। तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर देते हैं, एक जगह पे बंद कर देते हैं ताकि जो आउटसाइड से जो बाकी जो उसके यूज़र हैं वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को ना देख सकें कि अंदर क्या चीज़ है। ये जो रैपिंग या इनकैप्सुलेशन है, ये इसके किन किन लेवल्स पे ये होती है या किस वजह से ये हो सकती है,
या सॉफ्टवेयर के किन पार्ट्स हैं जिन पे हम एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस जो है अप्लाई कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज है प्रोसेस लेवल। प्रोसेस क्या होता है जल्दी जल्दी बता दोगे बंदा, क्योंकि आपको ये ओएस के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से कोई बंदा को थोड़ा तुक्का लगाए और अपनी मेमोरी को रिकॉल करे कि प्रोसेस क्या होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो करेगा। अहमद क्या बता रहे हो? यानी कोई टास्क या कोई एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है, जो टास्क या कोई एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है। मसलन मैं खाना खा रहा हूँ, ये टास्क एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस है। हाँ जी। सॉफ्टवेयर की सेंस में कोई बताओ ना क्या चीज, क्या प्रोसेस क्या होता है। कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म हो रही है कोई, यानी ये सबट्रैक्शन हो रही है, एडिशन हो रही है। यार इतनी देर में तो गूगल से ढूंढ लेना था क्या होता है प्रोसेस। प्रोसेस लेवल की एनकैप्सुलेशन का मतलब कि एक प्रोसेस जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मिसाल के तौर पे ये पावर पॉइंट चल रहा है सामने आपके, ठीक है। जैसे ही मैं कोई एप्लीकेशन चलाऊं, कोई सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करूं, तो जब वो मेमोरी के अंदर से या रैम की मदद से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है तो हम किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेस कह सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि ये जो पावर पॉइंट चला ये एक प्रोसेस है क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। कोई प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है हम उसको प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है आपको पता है कि आपको शेड्यूलिंग याद होगी, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को एट ए टाइम रन करता है। इधर पावर पॉइंट भी चल रहा है, जूम भी चल रहा है, वर्ड भी खुला हुआ है, पीडीएफ भी चल रही है, ब्राउजर भी चल रहा है, एक्सप्लोरर भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इन सारी चीजों को मैनेज करता है। हर एप्लीकेशन को वो एक प्रोसेस कंसिडर करता है और प्रोसेसेस को बार बार एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और हर प्रोसेस जो है वो उसके अंदर डेटा भी होगा, एप्लीकेशन भी होगी, डिफरेंट रिसोर्सेज जो वो कंज्यूम कर रहा है वो भी उसकी डिटेल होगी। तो हम क्या करेंगे कि जनाब एनकैप्सुलेशन जो प्रोसेस लेवल पे करेंगे। जी कोई बंदा ऐड करना चाहेगा कुछ? अहमद कुछ कह रहे हो? नहीं सर। लिहाजा प्रोसेस कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई जो आपको याद रहनी चाहिए। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड हो जाए एग्जीक्यूशन के लिए तो हम उसको प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को तोड़ के नए प्रोसेस भी बना लेता है, सब प्रोसेस या चाइल्ड प्रोसेस भी क्रिएट करता है। आपको शायद ये चीजें याद आ रही हों। चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उनको मैनेज करता है ताकि जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाए, वो मैनेजेबल हो जाए, ठीक है। तो एक प्रोसेस जो है वो बहुत सारी चीजों पे मुश्तमिल हो सकता है, उसको वो डाटा भी ले सकता है, वो रिसोर्सेज भी ले सकता है, रैम, प्रोसेसर, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज जो हैं वो उनको लेके कंप्लीट कर सकता है। तो हम प्रोसेस लेवल की एनकैप्सुलेशन भी कर सकते हैं। फिर ट्रांजेक्शन लेवल की, कि एक प्रोसेस जो है वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेगा। ट्रांजेक्शन होती हैं जैसे मसल के तौर पर कोई टास्क परफॉर्म होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट करना, ये एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे किसी डेटाबेस के अंदर से डाटा उठाना, क्वेरी करना, ये एक ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन जो है वो किसी भी प्रोसेस का एक स्टेप हो सकता है कि वो जो प्रोसेस है वो किन किन ट्रांजेक्शन के थ्रू अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है। वो एक ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, वो कमांड क्या है, वो किस तरह का डाटा लेके जा रही है, किस तरह डाटा लेके आ रही है। मिसाल के तौर पर आपको पता है जैसे आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करते हुए आपको उनके पैरामीटर साथ दे देते हैं कि ना फंक्शन जब कॉल हो तो ये सेटर डाटा जो है साथ लेके जाओ तुम। हम कंपाइलर को कहते हैं कि जब तुम फंक्शन एक्स वाई जी हम कॉल करते हैं तो साथ में कोई इंटीजर ए और इंटीजर बी की वैल्यू भी साथ सेंड कर देते हैं कि जनाब ये वैल्यू लेके जाओ
और उसको प्रोसेस करना, फंक्शन के अंदर प्रोसेस करने के बाद फिर हमें रिटर्न करके देना। तो ये एक ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन लेवल की भी एनकैप्सुलेशन हो सकती है कि जनाब क्या क्या डाटा जा रहा है, क्या क्या डाटा आ रहा है। फिर है प्रोग्राम लेवल की एनकैप्सुलेशन, एक पूरा प्रोग्राम जो है वो जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो अपने अंदर क्या क्या चीज़ें लेके एग्जीक्यूट होता है, या एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन सा डाटा, कौन सी चीज़ें चाहिए, वो सारी कहानी जो है वो ओवरऑल जो है वो उसको हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। ये ऐसे ही है जैसे मैं कह रहा हूँ कि कैप्सूल आप देख के एग्जाम्पल दें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हिडन है, एक कैप्सूल के अंदर आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से है कि जब प्रोग्राम लेवल की एनकैप्सुलेशन होगी तो ये प्रोसेस और ट्रांजैक्शन लेवल से बड़ी एनकैप्सुलेशन होगी, क्योंकि प्रोग्राम का जो स्कोप है वो ट्रांजैक्शन और प्रोसेस से बड़ा है। तीसरा है मॉड्यूल लेवल। मॉड्यूल जो है वो आपको पता है कि किसी भी सिस्टम का एक फंक्शनिंग एरिया होता है जो कि एक स्पेसिफिक काम या टास्क परफॉर्म करता है। कि मिसाल के तौर पर जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे फीस का कंपोनेंट, फीस सबमिशन का, एडमिशन का कंपोनेंट, स्टूडेंट की जो नेक्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट, स्टूडेंट की सेशनल मार्क्स या एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं उनको हैंडल करने का कंपोनेंट, एग्ज़ाम या जो आपका ग्रेड है उसको कैलकुलेट करने का कंपोनेंट, तो ये बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। तो बाद के बाद आप एक कंपोनेंट लेवल पे भी इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं कि कंपोनेंट जो है वो कैसे काम करता है, कि कंपोनेंट जो है वो जब एग्जीक्यूट होगा तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन लेगा, कैसे उसको प्रोसेस करेगा और कैसे आउटपुट देगा। क्योंकि आपको पता है जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो आपस में अटैच होते हैं, लिंक्ड होते हैं, कि एक कंपोनेंट जो है वो काम करेगा तो फिर दूसरा काम करेगा। मिसाल के तौर पर एडमिशन जब तक नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट का तो वो किसी भी सेमेस्टर के लिए रजिस्टर नहीं हो पाएगा। रजिस्टर होने के लिए उसको प्रीवियस टू एडमिशन का कंपोनेंट है वहाँ से डाटा लेना पड़ेगा। एडमिशन होगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन होगी तो वो एग्जाम में बैठेगा, एग्जाम में बैठेगा तो रिजल्ट का जनरेट होगा। तो इसका मतलब है डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, कि वो पीछे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, अटेंडेंस का कंपोनेंट जो है वो मिसाल के तौर पे या रजिस्ट्रेशन का जो कंपोनेंट है एग्जाम के रजिस्ट्रेशन, वो अटेंडेंस वाले कंपोनेंट से डाटा लेगा कि किस बच्चे की कितनी परसेंटेज है, उसको प्रोसेस करेगा, बच्चे को ड्रॉप करेगा या उसको रजिस्टर करेगा और डाटा आगे भेज देगा। ठीक है, एग्जाम वाला देखिएगा कंपोनेंट कि जनाब किस किस बच्चे की अटेंडेंस जो है वो लो थी जिसकी बना पे उसको ड्रॉप किया गया है, लिहाजा उसकी जो स्लिप है वो जारी नहीं होगी, और जिनकी स्लिप नहीं जारी होगी वो एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो उनका रिजल्ट कार्ड जनरेट नहीं होगा। तो ये क्या है कि आप मॉड्यूल लेवल की एनकैप्सुलेशन करें कि हर मॉड्यूल जो है वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कैसे उसको प्रोसेस करता है, जमा तफरीक करता है और किसको आगे भेजता है। फिर है प्रोसीजर लेवल की, कि प्रोसीजर लेवल की मतलब कि कोई भी जो टास्क है वो कैसे कंप्लीट हो रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किस प्रोसीजर के तहत वो काम को कंप्लीट कर रहा है। कि मिसाल के तौर पे मैंने अगर ग्रेड कैलकुलेट करना है आपका या आपका रिजल्ट कार्ड जनरेट करना है तो रिजल्ट कार्ड कैसे जनरेट हो रहा है, आपका ग्रेड कैसे बन रहा है, आपका CGPA कैसे बन रहा है, GPA कैसे बन रहा है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हो रही है, ये सारे प्रोसीजर है, ये सारी कहानी है कि जनाब कैसे सारी का इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन को भी हम हाइड कर सकते हैं, इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रैपर जो है वो इन पांच चीज़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं या पांच तरह की रैपिंग हम कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रोसेस लेवल की, ट्रांजैक्शन लेवल की, प्रोग्राम लेवल की, मॉड्यूल लेवल की और प्रोसीजर लेवल की। ये कहानी जो है ये डिटेल में यहाँ पे मेंशन है आगे वाली स्लाइड्स के अंदर जो मैंने आपको अभी बता दी है। तो ये था ये हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ लेगेसी सिस्टम जो है उनके बारे में डिस्कशन की है कि एक लेगेसी सिस्टम जो है वो क्या होता है। आमतौर पे जो बाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको उनके लिए मैं क्विकली जरा रीकैप दे दूं कि हमने लेगेसी सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे कि लेगेसी सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि आपको या आपके ऑर्गेनाइजेशन को वर्षे में मिलेगा, क्योंकि लेगेसी का मतलब वर्षा होता है। ठीक है, पहली स्लाइड के अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ जो कि कोई अमाउंट, कोई पैसा, कोई जेवरात, कोई अशरफियाँ, कोई भी चीज़ या प्रॉपर्टी आपको कोई बंदा आपका आपके वालद या आपके दादा अबू जो हैं वो आपको दें अपनी मर्जी से तो वो लेगेसी कहलाएगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में भी ये टर्म यूज होती है कि सॉफ्टवेयर में समटाइम आपको कोई चीज़ जो है वो वर्षे में मिलेगी, कोई पहले से बनी हुई चीज़ है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है पुराना, कोई 10 साल पुराना, तो उसको अपने को मैनेज करना है, उसको चलाना है, मेंटेन करना है, तो उसको मेंटेन करना जो है बड़ा मसला है।
क्योंकि अगर 10-15 साल पुरानी कोई एप्लीकेशन बनी हुई है तो एंड पॉसिबल है आप उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर भी ना मिले जो आप इंस्टॉल करके उसको चेंज कर पाएं, या उसकी डॉक्यूमेंटेशन ना मिले, या उसको चेंज करने के लिए एक्सपर्ट ना आपको मिले, तो ये सारे बड़े मसाइल हैं। तो लेगेसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उनको फिर चेंज किया जाता है या बदला जाता है या रिप्लेस किया जाता है। तो उसके लिए फिर हमने सोल्यूशन देखे कि आप कैसे उसको टैकल करते हैं, उसको एडवांस चेंज कर देते हैं, पार्शली चेंज करते हैं, या उसके ऊपर रैपर चढ़ा देते हैं ताकि अंदर सॉफ्टवेयर पुराना ही रहे, उसके ऊपर एक नई लेयर चढ़ा दें ताकि बाहर से वो नया लगे। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि आप अडॉप्ट करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके अलावा हमने देखा कि रैपर जो हमने देखा कि किसी भी चीज़ का जो इंटरनल वर्किंग है या इम्प्लीमेंटेशन है वो वही रहे, लेकिन बाहर से जो उसके लेयर है, रैपिंग है, वो चेंज कर दी जाए ताकि वो देखने में नहीं लगे। तो जो रैपिंग है वो किस तरह की होती है, रैपिंग क्या करते हैं, किसी चीज़ को जो इंटरनल डिफरेंट चीज़ें हैं उनको किसी एक लेयर के अंदर बंद कर देते हैं, बिल्कुल जैसे हम खाने वाली चीज़ें देखते हैं डेली लाइफ के अंदर कि उसके ऊपर रैपर चढ़ा होता है जो कि अंदर वाली चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, हाइड करता है हमसे। रैपर की हमने टेक्निक्स देखी है, टाइप्स देखी हैं कि रैपर जो हैं वो किस किस तरह के होते हैं, किन किन चीज़ों को हम रैप कर सकते हैं, और फिर हम देखा कि अल्टीमेटली जो रैपिंग है तो इनकैप्सुलेशन से मिलती जुलती चीज़ है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं ऊप के अंदर। इनकैप्सुलेशन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप डिफरेंट तरह के जो डाटा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी चीज़ों को लेके रैप कर देते हैं, किसी एक चीज़ के अंदर बंद कर देते हैं और उसको कोई ना कोई नाम रख देते हैं उसका, ठीक है। और जैसे हमने क्लास की एग्जांपल देखी ऊप के अंदर, क्लास जो है वो एक रैपर की एग्जांपल है जो कि डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स मेथड जो हैं उनको एक नाम के साथ रैप कर देती है या डांप देती है किसी चीज़ के साथ। और फिर हमने देखा कि हम क्लासेस बनाते हैं चीज़ों को रीयूज करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को हाइड करने के लिए बेसिकली। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने लेगेसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस किया जी।